हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो आज पूरी दुनिया में जानी जाती है वो ऐसी ही इतनी फेमस नहीं हुई। कई कलाकारों की मेहनत का फल ही है जिसके चलते आज बॉलीवुड की मूवीज का क्रेज पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और हमारी बॉलीवुड की मूवीज को अगर सबसे ज्यादा चाहा जाता है तो उसका कारण है उसका संगीत। हमारे देश में कई ऐसे लेजेंड्स रहे हैं जिन्होंने हमारे संगीत को पूरी दुनिया में प्रख्यात करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कई गायक और संगीतकारों की प्रतिभाओं का मिश्रण है हमारा भारतीय संगीत। हर भाव हर स्थिति में जो मन को सुकून दिला सके ऐसा है हमारा भारतीय संगीत। आज हम ऐसे ही एक संगीतकार और गायक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही संगीत जगत में अपने कदम रख दिए थे। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी जी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। चलिए बात करते हैं इस महान शख्सियत के बारे में और जानते हैं इनके जीवन की कुछ उपलब्धियों को। वैसे तो इनका असली नाम आलोकेश लहरी था, लेकिन सब इन्हें बप्पी लहरी के नाम से ही जानते हैं। बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1992 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी शहर में हुआ था। बप्पी एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और देश के एक महान गायक और कलाकार किशोर कुमार भी उनके रिश्तेदार थे। बप्पी ने 3 साल की उम्र से ही अपने माता पिता से तबला वादन सीखना शुरू कर दिया था। वैसे तो बप्पी लहरी बचपन से ही संगीत से जुड़ गए थे, लेकिन 70 के दशक में उनकी बंगाली फिल्मों में एंट्री हुई, जहाँ से उन्होंने अमर संगी, आशा ओ भालोबाशा और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में अपनी आवाज देकर इन फिल्मों को लोकप्रिय बना दिया। बंगाली फिल्मों में नाम कमाने के बाद 80 और 90 के दशक में बप्पी ने अपने कदम बॉलीवुड में रखे, जहाँ उन्होंने वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी और सैलाब जैसी मूवीज में अपने गीतों से पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। उनके संगीत के सफर के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था, लेकिन उसमें सफलता ना मिलने के कारण उन्होंने राजनीति को बाय बाय कर दिया और संगीत जगत में ही अपनी मौजूदगी रखने का फैसला किया। बता दें कि 1986 में उनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार किया गया था। उन्होंने 33 फिल्मों में 180 गाने गाए, जिसके चलते उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बप्पी लहरी लगभग 50 सालों से संगीत की दुनिया में अपना योगदान देते आए हैं, लेकिन कल रात 59 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और पूरे देश को, अपने चाहने वालों को अपनी यादों और अपने संगीत के सहारे छोड़ गए। कई स्वास्थ्य परेशानियों के चलते कल देर रात उनका निधन हो गया। ऐसी महान उपलब्धियों को हासिल करने वाला शख्स आज हमारे बीच नहीं रहा। संगीत के रूप में दिए गए उनके तोहफे को हम हमेशा अपने जहन में जीवित रखेंगे। तो ऐसे महान गायक को हम और हमारी पूरी JJN की टीम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। धन्यवाद।